आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त संजीव गंभीर। पेश है हमारी आज की खास रिपोर्ट। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। हां, किसी ऐप पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए। देखिए रिपोर्ट। भाई साहब, मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपका क्या शुभ नाम है और किस सिलसिले में बरेली आगमन हुआ है? मेरा नाम राजवेंद्र सिंह राजू है। मैं वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का। 1857 में से लेकर के आज तक 658 जनपदों में 48 लाख क्षत्रिय परिवार उत्तर प्रदेश में 1,30,00,000 सदस्यों के साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को 2010 में पूरे देश ने देखा। पूरे भारतवर्ष में 3 पदयात्राएं संचालित हुई जिनका मैं संयोजक रहा और मैं प्रभारी रहा। अभी 1 सितंबर को बम्बई में भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई थी और ये निश्चित तौर पर है कि जातियों और उपजातियों में समाज को बांटने और छांटने का काम बड़े स्तर पर हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास लौटा नामक पुस्तक वाराणसी से प्रकाशित है और उसमें सारी चीजें दी गई कि जब 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, तो इतनी जातियां और उपजातियों में जातियों में भी लगातार उपग्रंथ और उसमें भी महापुरुषों के नाम पर राजनीति। महापुरुषों तो छोड़ दीजिए, देवी देवताओं के नाम पर राजनीति। मैं मानता हूं कि अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, इस भारतीय सभ्यता में अलग अलग लोगों के संस्कार हैं, लेकिन उन सबके बावजूद भी हम मानव हैं और हम अगर आपके धर्मों का सम्मान करें तो आप हमारे भी धर्मों का सम्मान करें। आज देश में, मैं नहीं कह रहा, 2011 में आपके आंकड़े थे कि 13% क्षत्रिय समाज है, आज मैं कह रहा हूं 18% से ज्यादा आबादी पूरे भारतवर्ष में क्षत्रिय समाज की है। लेकिन अगर जातीय उपभ्रंश है 1931 में तो आप आला उदल को यहाँ यादव बता देंगे, अनंत पाल तोमर को आप जाट बता देंगे, पृथ्वीराज चौहान को आप गुजर बता देंगे। तो ये विसंगतियां जो फैला करके समाज में जाति उन्माद करने का काम जो राजनीतिक दल कर रहे हैं वो कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने वाले लोग हैं, अवसरवादिता की राजनीति है। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी में भी 650 ऐसे लोग हैं कि उनके कैडर में इसके कार्यकर्ता लोग बहुत परेशान है कि भाई बाहर से तमाम लोग जो अवसरवादी लोग आ जाते हैं उन्होंने उनके कैडर में से लोगों को कुछ सम्मान मिलता नहीं। तो ये तो एक सामाजिक संगठन है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। राजनीतिक दलों में भी अवसरवादी लोगों में, जिसमें तो मौजूदा समय में ही आप देख लीजिए, जो उत्तर प्रदेश में भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी में 450 लोग ऐसे आए जो विभिन्न दलों से पूर्व सांसद थे, विधायक थे, नेता थे। कुल मिला के इसका मतलब था कि कैडर बेस्ट में कहीं हमारे पास समर्पित लोगों की जो लिस्ट है और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उस उद्देश्य के साथ हमेशा संघर्ष करती रही कि जिसकी संगठन में निष्ठा उसकी हम लोग प्रतिष्ठा बढ़ाते रहे। इसमें 104 लोकसभा सीटें हैं, पूरे देश में 36 सीटें हैं जिनमें हमने पूरे देश में अभियान चलाया और आपने देखा हो कि उन अभियान के बाद हमने उत्तर प्रदेश में भी तमाम क्षत्रिय महापंचायतें की और जो 4.5% वोट गिरा वो लोग जो नाराजगी के वजह से वोट डालने नहीं गए। अभी हम लोगों का प्रयास था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम समय लें और उत्तर प्रदेश में कभी 16 भी सांसद थे हमारे, आज 5 रह गए हैं। तो ये तमाम चीजों को तर्क वितर्क तमाम चीजों पर है, लेकिन ये तर्क वितर्क के साथ हम चाहते हैं कि कम से कम शासन सत्ता से क्षत्रियों को दूर करने की जो साजिश चल रही है इस साजिश में, अरे भाई ठीक है, आज आप देख लो देश में आरक्षण अगर मिल रहा है तो पात्र लोग उनको गरीबों को मिलना चाहिए, गरीबों को संरक्षण मिलना चाहिए। अब जो संपन्न लोग हैं वो भी आरक्षण की सीमा का हर तरीके से लाभ ले रहे हैं, नौकरी में आरक्षण, छात्रवृत्ति में आरक्षण, खाने में आरक्षण, हर चीज में आरक्षण। तो सब जगह अगर आरक्षण होगा तो ये देश में जाति उन्माद फैला करके वोट की राजनीति समाज में बांटने छांटने का काम, ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक संघर्ष का जो दौर है। और अभी आपने देखा देश में पाकिस्तान के बाद तमाम घटनाएं आपने तालिबान के देखी और उसके बाद अफगानिस्तान के बाद आपने अभी बांग्लादेश की देखी, चीन लगातार जो चीजें घट रही थी, तो ये तमाम चीजें जो चल रही हैं देश में, एक अस्थिरता का जो आदमी और एक दूसरे के प्रति जो भाव था जनमानस में कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है वतन हिंदुस्तान हमारा, इसी का संस्कृति में जो लोग पढ़े बढ़े हैं उन्होंने देश की आजादी जिन्होंने दिलवाई 1947 में, उसमें हमारे भी 10 राजपूताना रेजिमेंट थे। तो इसलिए हमारे समाज को अपेक्षित करके सत्ता में जो लोग चाहते हैं कि बहुत लंबे समय तक बने रहेंगे, मैं नहीं समझता। आज समाज जागरूक है, युवा पीढ़ी हमारी जागरूक है, हमारा जो शैक्षिक प्रतिशत है वो 96.5% है
और जो मौजूदा सरकार जो चल रही थी उसमें 99% फ्लोर वोट बैंकिंग छत्री समाज का था, इसलिए ये छत्री समाज और इसके साथ में सवर्ण समाज, इसके समाज साथ साथ अन्य वर्गों में ना किसी जाति से ईर्ष्या ना किसी जाति से बुराई है। जो छत्री समाज को सम्मान देगा वो मरते दम तक मेरा भाई है। इस अलगत राजनीति से हट करके हम चाहते हैं कि भाई जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात होना चाहिए। आप CISDS की रिपोर्ट देख लीजिए कि महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, अर्थव्यवस्था कहाँ है, तमाम जो मुद्दे हैं उन पर कोई बात ही नहीं होती। बेरोजगारी कहाँ पहुंच रही है लोगों को पता नहीं है भाई क्या होना चाहिए, क्या आंकड़े हैं। अब लोग कह रहे हैं जातिगत जनगणना होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं कि भाई 450 साल पहले आपके पूर्वज क्या थे, वो वहां से गोत्र और उसके वर्ण के आधार पर सारा उनका विस्तृत जो है। जैसे मेरे पिताजी के नाम राम नरेश सिंह है, राम नरेश सिंह के पिताजी का नाम सुंदर सिंह है, सुंदर सिंह के पिताजी का नाम बिहारी सिंह है, बिहारी सिंह के पिताजी का नाम कल्याण सिंह। इतनी पीढ़ी तो मुझे मालूम है, तो इतनी पीढ़ियों का लेखा जोखा रखो ना सामने भाई, आप अपनी 6 पीढ़ी का सामने लेखा जोखा रखो, कराओ ना जातिगत जनगणना। इसलिए इस समाज में बहुत बड़ा जो साजिश चल रही है, इस साजिश को ये देश की राष्ट्र प्रेमी कौम है, देश और राष्ट्र के साथ ये पूरे देश में आपने देखा हो सभी वर्ग और सभी लोगों में ये सामंजस्य स्थापित करने वाली कौम है। इस कौम का 13 अक्टूबर को बरेली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और वो निश्चित तौर पर असत्य पर सत्य प्रतीक दशहरा पर हम चाहते हैं सौर शक्ति सम्मान और स्वाभिमान कार्यक्रम के संयोजक आपके पास बैठे हुए हैं भाई सर्वेश्वर जी जो जिलाध्यक्ष है, कार्यक्रम के प्रभारी हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रमुख राष्ट्रीय संगठन मंत्री भुवनेश्वर सिंह जी आपके मध्य है, हमारे प्रदेश के जो है महामंत्री भाई जयवीर सिंह जी बैठे हुए हैं, अपत ये ब्रज प्रदेश के भाई हमारे ITCL के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई पारस चौहान जी, राहुल चौहान जी बैठे हुए अलीगढ़ से आपके बीच है। तो ये तमाम जो टीम रात दिन काम कर रही है, अभी मैं बोधगया में गया था पिताजी का, वहां पर हमने पिंडदान कार्यक्रम में मैंने भाग लिया और तमाम जो हमारी संस्कृति हमारे संस्कार हमारी जो वैदिक चीजें हैं वहां आदि शंकराचार्य हमको मिले, वो भी कह रहे थे कि कालीवाड़ी में लखनऊ में मैं आपसे मिलना चाहता हूं वहां पर। तो ये तमाम जो चीजें हो रही हैं 562 रियासतें जो देश में इस समाज को लोगों ने जो 562 रियासतें दे दी, अगर उन राजनीतिक दलों को अगर ऐसा लगता है क्षत्रिय समाज के प्रति सब संपन्न है तो उन 562 रियासतों को हमें वापस दे दीजिए, हमारा संरक्षण हम लोग चलाएंगे, हमारे संगठन के लोगों को उसका संरक्षण और गुरुकुल पद्धति से उन्होंने स्कूल कॉलेज खोलेंगे, उसमें शास्त्र का भी ज्ञान होगा और उसमें शस्त्रों का भी ज्ञान होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में घटना घटी 1947 में बांग्लादेश में 22% हिंदू रहता था, आज 6% हिंदू रह रहा है। तो ये तमाम जो चीजें हैं इन सब चीजों पर ध्यान देने की बात है, पढ़े लिखे लोगों का समाज में सम्मान होना चाहिए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग किसी भी जाति समाज के वो लोग उनको राजनीति में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए और शिक्षा का प्रतिशत अगर लोकसभा में बढ़ेगा, और हम चाहते हैं कि 2027 में लोकसभा विधानसभा के साथ सारे चुनाव जो है आने वाले जो 2029 में भी होने हैं वो 2027 में ही सारे चुनाव नए परिसीमन के आधार पर, क्योंकि 131 लोकसभा सीटें ऐसी हैं कि बिना क्षत्रियों के कोई जीत नहीं सकता और देश में 1225 ऐसी विधानसभा सीटें हैं कि जहां बिना क्षत्रियों के मतों के कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में नहीं आ सकता। इसलिए इनकी नाराजगियां हैं और ये निश्चित तौर पर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी ने 14 ऐसी मूर्तियां उत्तर प्रदेश में महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान माननीय हमारे जो मंत्री हैं पर्यटन एवं संस्कृति जयवीर सिंह जी के माध्यम से विभाग के माध्यम से समाज के लोगों की मांग को उन्होंने पूरा किया है। ये निश्चित तौर पर एक हमारा सार्थक कदम है। लेकिन 2013 में जब हमने विधानसभा का घेराव किया था तो महाराणा प्रताप की मूर्ति के सौंदर्यीकरण की बात हुई थी लखनऊ में, 5 एकड़ जमीन सरकारी दर पर लखनऊ राजधानी में देने की बात हुई थी और हमें जो है ये कहा गया था कि महाराणा प्रताप पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करवाने की हम पहल करेंगे, लेकिन प्रदेश में सरकार ने 2013 में जो अवकाश घोषित किया था वो मौजूदा सरकार ने वापस ले लिया था। मैं चाहता हूं जनमानस की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वो पुनः महाराणा प्रताप जयंती पर से पहले वो सरकार उस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करे।